पेरिड ऑफ फैट स्टिलर सिस्टम एवोल्यूशन। तो हम नॉर्मली रूट और स्टेम में जो कहते हैं कि स्टिलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल, इसके दो फंडामेंटल पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन आपका था यूनिट कोर्टेक्स और सेकंड वन आपका है सेंट्रल सिलेंडर। तो स्टील क्या है? पेरिड ऑफ फैट में हम वास्कुलर बंडल के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टील। तो स्टील जो है सेंट्रल कोर ऑफ एक्सिस विच इंक्लूड वास्कुलर स्ट्रक्चर विद और विदाउट पिथ सराउंडेड बाय सम फंडामेंटल टिश्यू सच एज द पेरिसेप्कल। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड मेडुलरी इफ द मेडुलरी रेज आर द प्रेजेंट। देन ट्रम स्टील्स वाज गिवन बाय द मैन तिगम एंड दौलत इन 1886 इन स्टीलर सिस्टम थ्योरी। देन मेजर हाईलाइट क्या है स्टीलर थ्योरी के? पहला है कि इट इज ए रियल एंटिटी एंड प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल हायर प्लांट्स। सेकंड क्या है कि जो सूट सिस्टम है ये टू फंडामेंटल पार्ट से बना होता है, कोर्टेक्स एंड स्टील्स। थर्ड, कोर्टेक्स और स्टील जो है सेपरेटेड होते हैं बाय एंडोडर्मिस लेयर। जो मेन कंपोनेंट होते हैं स्टील सिस्टम के वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट है स्टील्स के वो आपके पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। देन बेस्ड ऑन ओंटोजेनी एंड फाइलोजेनी, तो ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में स्टीलर सिस्टम को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया, जिसे जो है प्रोटोस्टील्स, साइफोनोस्टील एंड सोलेनोस्टील। लेकिन काफी ऑथर ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ दो ही कैटेगरी, दैट इज द प्रोटोस्टील और आपका साइफोनोस्टील। सोलेनोस्टील्स जो है जिस सब कैटेगरी काउंट करते हैं साइफोनोस्टील की। देन टाइप ऑफ स्टील्स में जैसे हमने कहा कि प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील और सोलेनोस्टील। तो प्रोटोस्टील्स में जो स्टील होते हैं वो विदाउट पिथ होती है, ये प्रिमिटिव होती है। तो ये चार टाइप के होते हैं, हेप्लोस्टील, राइनिया और लाइगोडियम में, एक्टिनोस्टील आपका लाइकोपोडियम सीरेटम में, प्लेक्टोस्टील लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, मिक्स्ड प्रोटोस्टील्स आपका लाइकोपोडियम सरनम में मिलता है। देन सेकेंड वन आपका था साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील में जो स्टील विद पिथ होती है लेकिन उसमें कोई लीफ गैप नहीं होती। तो ये जो है तीन टाइप के काउंट करते हैं, क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील इस लेजनेला में मिलता है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील उस्मांडा में, थर्ड वन एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील मार्शलिया की राइजोम में मिलता है। देन थर्ड वन आपका आता है सोलेनोस्टील इन स्टील विद पिथ एंड लीफ कैप। तो इसमें जो है चार टाइप के हम काउंट करते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील ये आपका उस्मांडा में है, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील आपका एडेंटम पिडेटम में है, डिक्टियोस्टील्स आपकी टेरेस और आपकी एडेंटम में मिलती है, पॉलीसाइक्लिक स्टील जो आपके टेरिडियम इक्विलिनम में मिल रहा है। देन फर्स्ट में आप कहते हैं प्रोटोस्टील्स, जिसमें कहा कि स्टील जो है विदाउट पिथ होती है। तो हैप्लोस्टील क्या है? हैप्लोस्टील में जो आपका सेंट पिथ आपकी एब्सेंट ही है, आपका जो जाइलम है सॉलिड वाला दैट इज ग्रीनिश, जो आपको ग्रीनिश ब्लूज दिख रहा है, ये आपका कवर्ड होता है बाय द फ्लोएम, यानी कि ये सराउंड होता है फ्लोएम के द्वारा। तो इसका एग्जांपल है राइनिया और लाइकोडियम का। सेकंड आपका आता है एक्टिनोस्टेल्स। एक्टिनोस्टेल में जो आपका जाइलम है वो आपका स्टार शेप का होता है और स्टार शेप में जो रे के पास स्पेस होता है वहां पे आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है इन पैचेस। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका स्टार शेप जाइलम और फ्लोएम इन द पैचेस दैट इज द एक्टिनोस्टील। ये पिंक कलर के आपके जो है फ्लोएम है। थर्ड वन आपका आता है प्लेक्टोस्टील्स। प्लेक्टोस्टील्स में जो आपके जाइलम मोर और लेस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और फ्लोएम से ये सराउंड होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। फोर्थ वन आपका आता है दैट इज द मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। तो मोस्ट प्रोटोस्टिल में जो आपके जाइलम है उनके ये पैचेस प्रेजेंट होते हैं,
ये पैचेस जो इस राउंड होते हैं बाय द फ्लोएम, तो इसका एग्जाम्पल आपका लाइकोपोडियम सिरना। कुछ प्रोटोस्टिल्स में आपकी पिथ भी प्रेजेंट होती है जो कि पेरेन्काइमेटा से आपको नजर आती है, एग्जाम्पल है हिमनोफाइलम में। सेकंड आपका आता है साइफोनोस्टिल, साइफोनोस्टिल यानी कि स्टिल विद द पिथ, इसमें जो है कोई भी लीफ गैप नहीं होता। तो ये तीन टाइप के काउंट करते हैं, क्लेडो साइफोनोस्टिल्स विदाउट लीफ गैप, स्लेजनला में मिलता है। सेकंड आपका आता है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिल, इसमें क्या है कि बीच में आपके पिथ प्रेजेंट है, ये ग्रीन आपका ब्लूश ग्रीन जो आपका जाइलम है ये सराउंड होता है बाय द फ्लोएम, एग्जाम्पल है इसका उस्मांडा। देन नेक्स्ट वन आपका आता है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टिल में आपको ग्रीन ब्लूइश ग्रीन कलर का ये आपको जाइलम दिख रहा है, इसमें पिंक कलर के फ्लोएम जो है आउटर और इनर साइड में प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, जाइलम इज सराउंडेड बाय अ फ्लोएम इन बोथ साइड, इनर एंड आउटर। देन इसके अलावा हम कह सकते हैं इसमें जो है इनर पेरिसाइकल और इनर एंडोडर्मिस भी होता है। नेक्स्ट आपका आता है सोलेनोस्टिल, सोलेनोस्टिल यानी कि स्टिल विद पिथ एज वेल एज लीफ कैप। तो इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं, फर्स्ट वन आपका जो है एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टिल्स, जिसमें आपका है कि जाइलम जो है आपका फ्लोएम से सराउंड होता है और लीफ ट्रेस और लीफ गैप आपका प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन आपका आता है दैट इज द एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टिल, जिसमें आपके फ्लोएम की दो रिंग बनती हैं, इसमें जो आपका जाइलम जो है फ्लोएम के द्वारा सराउंड होता है इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, इसमें भी आपकी जो है इनर पेरिसाइकल और इनर एंडोडर्मिस बनती है। फर्क आपका जो है साइफोनोस्टिल और सोलेनोस्टिल में क्या है कि साइफोनोस्टिल में जो है आपकी लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस जो है आपके लीफ गैप जो होता है एब्सेंट होता है, लेकिन आपका सोलेनोस्टिल्स में साइफोनोस्टिल में ये एब्सेंट होता है और सोलेनोस्टिल में ये प्रेजेंट होता है लीफ गैप एज वेल एज लीफ ट्रेस। देन नेक्स्ट वन आपको पता है डिक्टियोस्टिल, डिक्टियोस्टिल में जो है बहुत सारे मेरिस्टिल्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है टेरेस। देन आपको पता है पॉलीसाइक्लिक स्टिल्स, पॉलीसाइक्लिक स्टिल्स में जो है आपके काफ़ी जो है वास्कुलर बंडल होते हैं, जैसे कि टेरिडियम इक्विलिनम। तो आपको पॉलीसाइक्लिक स्टिल से पता चला पॉली यानी कि बहुत सारे, ठीक है, साइक्लिक यानी कि सर्कल में, और स्टिल यानी कि आपके वास्कुलर बंडल, यानी कि बहुत सारे वास्कुलर बंडल आपके जो है सर्कल में प्रेजेंट है। तो ये हम दो टाइप के पढ़ते हैं, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टिल और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टिल। पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टिल में क्या है कि इसमें आपके आउटर वाली जो सर्कल है वो आपका जो है सोलेनोस्टिल होगा और अंदर वाला साइफोनोस्टिल। जबकि हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टिल्स की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि आपका जो आउटर लेयर है या आउटर सर्कल है वास्कुलर बंडल का वो आपका डिक्टियोस्टिल है और अंदर वाला आपका जो है सोलेनोस्टिल है। तो इस तरीके से ये जो आपके पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टिल हो गया। देन नेक्स्ट वन आपका आता है दैट इज द यूस्टिल, यूस्टिल्स में जो आपका वास्कुलर बंडल ब्रोकन रिंग की तरह प्रेजेंट होगा, ये एग्जाम्पल है डाइकोटस्टाम। एटेक्टोस्टिल्स, एटेक्टोस्टिल्स में जो आपके वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे, तो इस एग्जाम्पल इसका मोनोकोट स्टेम।